हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विकास शर्मा और स्वागत है आपका अपने चैनल जिसका नाम है वन फॉर ऑल। तो फ्रेंड्स, मैंने अपनी पहले की एक वीडियो में बताया था कि अगर आप अपने स्मार्टफोन में गूगल शीट्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो किस तरीके से कर सकते हैं, आप किस तरीके से गूगल शीट्स को अपने स्मार्टफोन में ही यूज़ कर सकते हैं और काफ़ी ईजिली ही उसके अंदर आप कोई भी डेटा फिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, उस वीडियो को आपने काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया था और उसके बाद हमारे पास काफ़ी सारे कमेंट्स आए जिसमें काफ़ी यूज़र्स ने ये पूछा है कि अगर हम एक बार कोई भी शीट बना लेते हैं तो उसके बाद उस शीट को सेव कैसे कर सकते हैं और उसके बाद उस शीट को किस तरीके से हम डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप कोई भी शीट बनाने के बाद उसे ईजिली अपनी डिवाइस में सेव कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई टाइम गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले क्या करना है, हमें कोई भी एक गूगल शीट ओपन अप कर लेनी है। तो हम यहाँ शीट्स में जाते हैं और हमारे अकाउंट से लिंक यहाँ पर कुछ शीट्स रखी हैं, तो यहाँ पर हम एक सैम्पल शीट को ले लेते हैं। तो ये हमारे पास सैम्पल शीट है, हमने इसे यहाँ से ओपन अप कर लिया है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ डेटा इस शीट में रखा है और आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पर दो शीट्स एडेड है। ये देखिए, ये दूसरी शीट है, ये पहली शीट है। तो अभी हम इसमें कुछ चेंजेस करने वाले हैं, तो आप शीट में जो भी चेंजेस करना चाहे वो कर सकते हैं और आप किस तरीके से कर सकते हैं ये मैं आपको अपनी पहले वाली वीडियो में बता चुका हूँ। अभी मैं आपको सिंपली इतना बताऊँगा कि आप कुछ भी चेंजेस करने के बाद इसको सेव किस तरीके से कर सकते हैं और डाउनलोड किस तरीके से कर सकते हैं। तो मान लीजिए शीट के अंदर हम जो चेंजेस करने वाले हैं वो है कि यहाँ पर हमें ये नाम चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये नाम चेंज कर देते हैं और उसके बाद हम इसे सेव कर देते हैं। अब यहाँ पे ये नाम चेंज हो गया दोस्तों। तो मान लीजिए हमने इसमें काफ़ी सारे मल्टीपल चेंजेस कर लिए हैं और अब हम इस शीट को जो है यहाँ से सेव करके डाउनलोड करना चाहते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है दोस्तों, आपको यहाँ पे टॉप राइट कॉर्नर पर जो तीन डॉट्स दिख रहे हैं इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर एक ऑप्शन आपको शो करेगा, शेयर एंड एक्सपोर्ट, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आप देखेंगे कि यहाँ पे फिर से कई सारे ऑप्शन आ जाएंगे। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है सेव एज का, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस आ जाएंगे कि आप किस फॉर्मेट में इस शीट को सेव करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप इसे चाहे तो गूगल शीट में एज इट इज़ रख सकते हैं, जहाँ पर आपने इसे रखा हुआ है तो वही शीट आपकी एज इट इज़ सेव हो जाएगी। अगर आप इसे पीडीएफ फॉर्म में सेव करना चाहते हैं तो आप पीडीएफ पे टिक कर सकते हैं और ओके कर सकते हैं, आपके डिवाइस के अंदर ये पीडीएफ में डाउनलोड हो जाएगी। और अगर आप किसी बाकी फॉर्मेट में इसे डाउनलोड करना चाहते हैं या सेव करना चाहते हैं तो वो भी हो जाएगा। तो यहाँ पर मान लीजिए अभी हम इसे पीडीएफ में सेव करना चाहते हैं, तो हमने पीडीएफ पे सिलेक्ट कर लिया और ओके पे क्लिक करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये पीडीएफ में कन्वर्ट हो गई है। अब आप इसे सेव कर सकते हैं जहाँ पर भी सेव करना चाहते हैं। तो आप अगर इसे ड्राइव में ही सेव करना चाहते हैं तो आप इसे ड्राइव की लोकेशन दे सकते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पे आपकी डेस्टिनेशन चूज़ कर सकते हैं। तो फिलहाल हम इसे माई ड्राइव ही रहने देते हैं और सिलेक्ट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर सेव पे क्लिक करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा आ गया है कि आपकी जो ये पीडीएफ फाइल है ये आपकी गूगल ड्राइव में सेव हो गई है। अगर आपको ये सेम चेंजेस आपके एक्सेल फाइल में भी चाहिए तो उसके लिए दोस्तों आपको फिर से यहाँ पर जाना है, तीन डॉट पर क्लिक करके और शेयर एंड एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है, सेव एस पे क्लिक करना है और गूगल शीट ये बाई डिफ़ॉल्ट सेट रहेगा, आपको सिंपली ओके करना है। तो आप देखेंगे कि ये आपकी सिंपली यहाँ से सेव हो जाएगी। तो ये देखिए सेव हो गई है और हमने जो एंट्री की थी डोनाल्ड की वो यहाँ पर अब शो कर रहा है। इसके बाद आपको सिंपली यहाँ पर टिक पे क्लिक कर देना है और यहाँ से बैक आ जाना है। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास जो है फाइल सेव हो चुकी है। इसे ओपन अप करके देख लेते हैं। ये देखिए, तो सिंपली हमने इसे गूगल शीट में सेव कर लिया था। और जो दूसरी फाइल है दोस्तों हमारी, जिसको हमने पीडीएफ फॉर्म में सेव किया था, वो हमें यहाँ पे शो नहीं करेगा। तो उसके लिए आपको अपने ड्राइव सेक्शन में जाना होगा अपने अकाउंट के। तो चलिए ड्राइव सेक्शन में जाके देखते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये रही वो पीडीएफ फाइल जो हमने हमारी ड्राइव में सेव की थी। ये देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर पीडीएफ फाइल ओपन अप हो गई है। अगर आपको ये फाइल किसी के साथ शेयर करनी है दोस्तों, तो आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है और शेयर पे क्लिक करना है और आप यहाँ से इजीली किसी को भी ये मेल कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसी तरीके से अगर आपके पास भी कोई फाइल है गूगल शीट में जिसको आप सेव करना चाहते हैं अपने डिवाइस के अंदर या ड्राइव के अंदर और उसे डाउनलोड करना चाहते हैं किसी दूसरे फॉर्मेट में, तो इस तरीके से आप उसे कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए,
चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आपका कोई डाउट क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके किसी फ्रेंड्स रिलेटिव्स के लिए बेनिफिशियल होगा तो प्लीज़ उनके साथ शेयर करिए। थैंक यू सो मच।